हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स योर लव एंड सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आने के बाद सबसे पहली खुशी इंसान को तब होती है जब उसका पहला माइलस्टोन पूरा हो जाता है। पहला माइलस्टोन यानी 100 सब्सक्राइबर। तो जैसे ही आपके पहले 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो सबसे पहले तो आपको आपके YouTube स्टूडियो में एक मैसेज मिलता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद जो सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिलती है वो होती है हमारा कस्टम URL। तो बहुत से जो लोग हैं वो अपने कस्टम URL पर ध्यान नहीं देते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके चैनल की ग्रोथ के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल URL है। जब आप अपना चैनल क्रिएट करते हैं तो इस तरह का आपको URL मिलता है जिस पर पता नहीं चलता है कि भाई किस तरह का चैनल है और क्या है। अगर आप ये लिंक अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं व्हाट्सएप या फिर किसी भी थ्रू तो ये नॉर्मल लगता है, कोई समझ नहीं पाएगा कि आपका किस तरह का चैनल है और ये क्या चीज़ है। और अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है आपका कस्टम URL, यानी 100 सब्सक्राइबर होने के बाद में आप इस तरह से अपने URL को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें आपका जो चैनल है उसके बारे में पूरी झलक मिल जाएगी कि आपका किस कैटेगरी और किस तरह का आपका चैनल है। तो आप जिन्हें सेंड करेंगे लिंक तो उनके लिए काफ़ी आसानी होगी इस चीज़ को पहचानने में कि आपका जो चैनल है वो किस तरह का है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कैसे आप 100 सब्सक्राइबर होने के बाद में अपने URL को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आज का जो पूरा प्रोसेस है मैं करवाने वाला हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आप इसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर भी कर सकते हैं डेस्कटॉप वर्जन में। और अगर आप इसके बाद भी ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है मैं आपको मोबाइल पे भी करके दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ गए मेरे कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर। ये है मेरे कंप्यूटर की होम स्क्रीन। यहाँ से हम लेंगे गूगल क्रोम। तो ये है गूगल क्रोम। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे www.youtube.com। यहाँ से हम करेंगे एंटर। एंटर करते ही हमारा जो चैनल है ये बिल्कुल यहाँ से ओपन हो गया है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा चैनल आइकन आ रहा है इसे हम यहाँ से करेंगे एक बार क्लिक। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ से हमें लेना है सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर। तो सेटिंग पर हम करेंगे क्लिक। इसके बाद आप देखते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है जो सबसे नीचे आपके आ रहा है एडवांस सेटिंग। तो यहाँ से आपको करना है एडवांस सेटिंग पर क्लिक। तो क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऊपर से चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर URL। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर कस्टमर, यहाँ पर यह मैसेज दिया है कि आप एलिजिबल है अपने कस्टमर URL के लिए। लेकिन हम सबसे पहले नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे हियर वाले पे क्लिक। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, यानी कम से कम आपके पास 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 100 या इससे ज़्यादा। इसके बाद कम से कम 30 दिन पुराने वो होने चाहिए। इसके अलावा आपने अपना चैनल आइकन भी अपलोड किया होना चाहिए और आपका जो चैनल आर्ट है वो भी अपलोड किया होना चाहिए। अब हम यहाँ पर दोबारा जाएंगे एडवांस, यानी बैक भी हम कर सकते हैं और चाहे तो हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम कर लेंगे यहाँ से चेंज। तो ये यहाँ एलिजिबल जो लिखा हुआ है इस पर हम करेंगे यहाँ से क्लिक। तो जैसे ही हम इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम ये लेगा, डिपेंड करता है आपके नेट की स्पीड पर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ऑलरेडी मेरा जो नाम है वो यहाँ पे ले लिया है, मैंने कुछ नहीं किया। जो मेरा चैनल का नाम था वो इन्होंने ऑटोमेटिक यहाँ से ले लिया है। और अगर आप इसे कुछ इसके आगे पीछे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जो नीचे एक और आपके बार आ रही है, जैसे अभी है जो टैग सपोर्ट कोटा पे क्लिक है, अब आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको पीछे कुछ भी अगर ऐड करना है, यानी आपके चैनल के नाम के आपके 1 2 3 या फिर कुछ भी आपको ऐड करना है 7 8 6, तो आप यहाँ से उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। और आपको कुछ भी ऐड नहीं करना तो आप इसको यहाँ से सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। तो मेरा जो मुझे जो चाहिए था वही मुझे मिल गया है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी बात है। तो इसको मैं दोबारा कर दूँगा ऊपर वाले पर क्लिक। तो यही मेरे चैनल का नाम है और मुझे यही कस्टम URL चाहिए था। इसके बाद दोस्तों, जब नीचे यहाँ पे जो हमारा डिक्लेरेशन है इस पर हम करेंगे राइट। राइट करने के बाद दोबारा हम अपना जो चैनल है उसको पूरा अच्छे से चेक कर लेंगे, जो हमें चाहिए वही हमें मिल रहा है नहीं। इसके बाद हम यहाँ से कर देंगे क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद हमसे एक और बार कन्फर्मेशन मांगेगा कि देखिए आप एक बार चेक कर लीजिए जो भी आपको चाहिए था वही है या नहीं। क्योंकि अगर एक बार आपने चेंज किया तो दोबारा आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। आप इसे तभी चेंज कर पाएंगे जब आप अपने चैनल का नाम चेंज करें। तो यहाँ से हम कर लेंगे कंफर्म। कंफर्म चॉइस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग आपकी होगी।
और आप ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपके होम स्क्रीन पर। अब आपको चेक करना है कि क्या आपका जो कस्टम यूआरएल है ये चेंज भी हुआ है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए आपको दोबारा जाना पड़ेगा अपने चैनल आइकन के ऊपर। तो जो आपका राइट हैंड साइड आपका जो चैनल आइकन है, आप दोबारा जाएंगे उसके ऊपर, यहाँ से आप इसको करेंगे क्लिक। अब वही प्रोसेस आपको दोबारा फॉलो करना है, यहाँ से जाएंगे आप सेटिंग्स के ऊपर, इसके बाद आप जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे एडवांस सेटिंग के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कस्टम यूआरएल के अंदर आपका जो यूआरएल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ से आपको लिखा हुआ है टेक सपोर्ट कोटा। तो अब इसको चेक करने के लिए अब एक बार हम यहाँ पे भी एक बार इसको क्लिक कर देंगे, देखते हैं ये विंडो में ओपन होता है या नहीं। तो करेंगे यहाँ से इस पर एक बार क्लिक। तो क्लिक करते हैं, देखिए ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और एड्रेस बार में आप देखिए लिखा हुआ आ चुका है टेक सपोर्ट कोटा। बिल्कुल जो हमारा जो यूआरएल है वो कस्टमाइज हो चुका है, वो बिल्कुल हमने चेंज कर लिया है। फिर भी एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम लेते हैं एक और न्यू टैब। तो हम करते हैं यहाँ पे न्यू टैब पे चेक। अब जो कॉपी हमने किया था उसे हम यहाँ से कर लेंगे पेस्ट और यहाँ से कम कर लेंगे इसे एंटर। तो जो तीसरी वाली हमारी है, इसके बाद सेकंड वाली को हम यहाँ से कर देंगे क्लोज, क्योंकि प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी। अब देखते हैं कि ओपन होता है या नहीं। बिल्कुल ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो बिल्कुल हमारा जो कस्टम यूआरएल है वो चेंज हो चुका है। कितने इजी स्टेप्स हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कितने सिंपल वे में और कितने इजी तरीके से हमने हमारे यूआरएल को कस्टमाइज़ कर लिया है। अब आप सेम इसी तरह से अपने फेसबुक पे भी एक पेज बना सकते हैं और वो वीडियो जो आप इस चैनल पे अपलोड करते हैं वही वीडियो आप उस पेज पे भी अपलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स या सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।